स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो बाकी लेक्चर कहाँ है? में हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के बारे में सिर्फ जाना था और न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने नहीं जान पाया था, उस समय हम लोग नहीं वहाँ पे पढ़ पाए थे। ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोफाइल के बारे में और न्यूक्लियोफाइल के बारे में आप जानते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को पहचानने का तरीका भी आपको बताया जा चुका है, बस न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानेंगे ये जान लो। न्यूक्लियोफाइल पहचानने के लिए इलेक्ट्रोफाइल बता दिया था आपको, हो चुका था, अब आप उसे देख लीजिएगा। कोई डाउट होता है तो आप पूछेगा डाउट काउंटर पर, मैं डाउट टाइम पर मैं हर अल्टरनेटली आधे घंटे बैठूंगा, ठीक है। तो आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। आप लोग कौन छह पे अटके पड़े हैं और सबको जो है 700 के ऊपर जाना है। आपकी कमियों को आइडेंटिफाई करें, जो ग्रुप जो क्वेश्चन आपके गलत हुए आप अपना ही ग्रुप बनाए, अपने पेरेंट्स के साथ ग्रुप बनाए, ठीक है। व्हाट्सएप जो यूज करते हैं आप, अगर आपके पास दो मोबाइल नंबर है तो दो मोबाइल नंबर में ग्रुप बनाए और हर टेस्ट के गलत क्वेश्चन को उसमें आप तुरंत जो है केमिस्ट्री का अलग ग्रुप बनाए और बायो का अलग बनाए, ज्वालॉजी का अलग, बॉटनी का अलग और फिजिक्स का अलग। जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं तुरंत उसको फोटो खींचे, उसको क्रॉप करिए, उसमें सेंड कर दीजिए। वो हमेशा आपके पास रहना चाहिए। जो गलतियां हो रही है वो गलतियां एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। बस अगर आप इसको इंप्रूव कर लेंगे तो डेफिनेटली आप 700 नंबर के ऊपर पहुंच जाएंगे, 710 के ऊपर भी पहुंच सकते हैं, हो सकता है 720 के 720 हो जाए। किसी 650 ऊपर या 600 ऊपर नंबर जो बच्चा पाता है, इवन 550 ऊपर जो बच्चा नंबर पाता है, उसको ये नहीं पता कि वो हो सकता है वही 720 नंबर पा जाए। लास्ट में जो असली गेम पलटता है ना, जो फाइनल टच अच्छा देता है। कभी कभी आपने कोई गेम स्विमिंग वगैरह देखा होगा कि आप पहले देखा होगा कि कुछ ऐसे कंटेस्टेंट होते हैं वो लगातार थोड़ा थोड़ा पीछे चलते रहते हैं और फाइनली जो 10-20 मीटर आता है वो इतना स्पीड फास्ट करके क्या करते हैं, उसे फाइनल टच अच्छा देते हैं। तो जो मार्च और अप्रैल में फाइनल टच देगा नंबर, वहां भी बहुत ज्यादा फैक्टर होंगे। हो सकता है कि बहुत सारा उलटफेर हो, कि कोई नंबर ड्रेस्टिकली बहुत बढ़ जाए, किसी का नंबर ड्रेस्टिकली बहुत कम हो जाए। तो आपको अपने सिर्फ कमियों को आइडेंटिफाई करना है, रॉन्ग क्वेश्चन को आप तुरंत अपने ग्रुप में अपने रखना है, ठीक है। जैसे मिले टीचर को तुरंत ग्रुप में अपना क्वेश्चन ढूंढ के उसको बता दीजिए। सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चन अगर आप गलत करना बंद कर दें तो गारंटेड आपके नंबर 700 के ऊपर आ जाए। 600 नंबर कम नहीं होता, 600 नंबर पाने वाला, 550 नंबर भी कम नहीं होता, 500 ऊपर भी नंबर कम नहीं होता, याद रखना। तो रॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी उसमें आप क्रॉप करके आप डालें और ग्रुप बनाएं। तो चार ग्रुप बनाए केमिस्ट्री का, बल्कि आप चाहें तो चार ग्रुप केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, एक जो है आपका दो बायो के ग्रुप बनाए, सारे रॉन्ग क्वेश्चन को उसमें भेजें, ठीक है। आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को पहचानते कैसे, सीधा सीधा कहीं भी माइनस चार्ज दिखे और नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, दिमाग नहीं लगाना। फिर आपको दिखे कोई अगर मॉलिक्यूल दिखे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिखे और सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट दिखे, ऑक्टेट कंप्लीट, डी ऑर्बिटल खाली हो सकता है, ऑक्टेट अगर कंप्लीट दिखेगा तो वो भी किसी तरह भी कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। जैसे अमोनिया है, यहाँ पर सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, काउंट सबको दिखाई नहीं दिख रहा, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 आपके नाइट्रोजन के, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आप सारे एमाइन्स होते हैं, एल्कोहल होता है, वाटर होता है, 2 डिग्री एमाइन और हाइड्रोक्सिलेमाइन होता है, हाइड्रोजन होता है, S2SR, ऐसे सभी क्या है, इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है, दे आर बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल्स। ऐसे यहाँ पर बात करें अगर कभी भी दो सेम एटम के बीच में, यहाँ पर याद रखना इस सेंट्रल एटम के पास क्या होना जरूरी है, लोन पेयर प्लस कंप्लीट ऑक्टेट, लोन पेयर के साथ ऑक्टेट कंप्लीट हो वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। नेक्स्ट, दो सेम एटम के बीच में अगर कभी डबल बॉन्ड नजर आए आपको, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो वो भी न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसे एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड, ये सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। कहीं कार्बन के साथ मेटल आपको दिखे, कार्बन के साथ मेटल दिखे, ये भी हमेशा क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज, या तो मेटल की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करने की इच्छा नहीं होती है, या तो मेटल वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इसलिए पूरा मॉलिक्यूल जो होता है हमेशा किसी तरह भी करता है, ये हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह, जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एल्काइल, लिथियम, आरएमजीएस, ग्रिग्नार्ड रेजिन, R2Cu, एलआई गिलमैन रेजिन, R2 जिंक, फ्रैंकलिन रेजिन, R2 कैडमियम, इनके नाम आगे हम लिखेंगे। तो ये सब कार्बन से कहीं भी मेटल लगा हो तो उनको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, ठीक है। अब आपको एक अंदाजा लग रहा होगा कि इसका मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें ज्यादातर रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, ज्यादातर रिएक्शन क्या होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, उसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ज्यादा होता है, ठीक है। आगे थोड़ी से सावधानी याद रखना। अच्छा, एक चीज, कभी भी कोई रिएक्शन हो रहा हो, रिएक्शन में एक के बारे में अगर आपको पता हो जाए और दूसरे के बारे में आपको नहीं पता हो, तो 100% एक अगर न्यूक्लियोफाइल है तो दूसरा हमेशा क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा, पक्का। एक और बात याद रखना कि एल्काइल हैलाइड जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह कभी भी बिहेव नहीं करता, ये ऑलवेज किसी तरह बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हैलोजन का जो लोन पेयर होता है, ठीक है, ये आसानी से देना नहीं चाहता, आयोडीन साइज की वजह से नहीं देना चाहता और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से नहीं देना चाहता, ठीक है। अच्छा, कार्बिन के बारे में यहाँ पर देख करके आप याद रखिएगा, कार्बन पर दो बॉन्ड के साथ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कार्बिन, नाइट्रोजन पर एक बॉन्ड और दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रीन, और बेंजाइन के बारे में आपको बताया था, दिखाया था, यहाँ पर दो ऑर्बिटल के बीच में ये दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी करता है, बेंजाइन की तरह भी करता है इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह करता है, बट ये लुईस एसिड नहीं होता। आया, चलिए ये आपने पढ़ लिया। अब न्यूक्लियोफिलिक नेचर कैसे वेरी करता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर वेरी करने के लिए वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक नेचर, न्यूक्लियोफिलिसिटी, कभी भी याद रखिएगा, अगर सेम एटम पे नेगेटिव चार्ज है और उसी का एक न्यूट्रल है तो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज का न्यूक्लियर करेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है, अच्छा, और न्यूट्रल वाले के कंपेयर में ज्यादा होता है हमेशा। अच्छा, कभी अगर नेगेटिव चार्ज किसी के साथ कोई मेटल लगा हो तो उसे नेगेटिव चार्ज ही मानेंगे, क्योंकि ये जनरली इनके बीच में आयनिक बॉन्ड करेक्टर होता है और ये हमेशा चार्ज के रूप में ही रहना पसंद करते हैं, जैसे NaNH2 है, किस रूप में रहना चाहता है बताओ, NA+ और NH2-, तो आयनिक मॉलिक्यूल को एक प्रकार से हम चार्ज पार्टिकल मान के ही व्यापार करेंगे। जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल कोवलेंट कंपाउंड है, ये आपका क्या है, आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड में NH2- को नेगेटिवली चार्ज मानेंगे और अमोनिया को न्यूट्रल, तो सोडा माइट बेटर न्यूक्लियोफाइल देन अमोनिया। कोई न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन्स अगर रेजोनेंस करता है, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करता है, मतलब वो डिस्पर्स हो रहा है, वो बट रहा है, थोड़ा देर यहाँ पे रहेगा, थोड़ा यहाँ रहेगा, मतलब थोड़ा यहाँ पे है, थोड़ा कहाँ है, दूसरे एटम का है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होता है तो वो उसकी जो है डेंसिटी कम हो जाती है एक जगह पर, तो याद रखना फिर उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी क्या हो जाता है, कम। तो अगर कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर घट जाता है, और जितना अच्छा रेजोनेंस होता है उतना ही अच्छा, उतना ही खराब न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे हम बात करें कि ये इथॉक्साइड और ये आपका इथिनॉक्साइड जो है, या दूसरा आपका फिनॉक्साइड है, इसमें बेटर न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे, ये इथॉक्साइड बेटर होगा और ये पूरा न्यूक्लियोफाइल होगा। इसमें अगर हम बात करें सल्फोनेट आयन और ये एसीटेट आयन और फिनॉक्साइड आयन में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो अगर रेजोनेंस इक्विवेलेंट हो, संख्या पे मत जाना, रेजोनेंस इस पर हो इक्विवेलेंट, तो रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है और वो माइनस चार्ज ज्यादा डिस्पर्स होता है। यहाँ पर याद रखना न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो इसका कम होगा और इसका ज्यादा इसका, और ऐसे ही इतनी क्या। हाँ, चलो एक और बात, अभी तक जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर आपने देखा है, बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऊपर माइनस है, यहाँ ऊपर माइनस है, यहाँ ऊपर माइनस है, हर जगह पर हमने एटम सेम रखा, न्यूक्लियोफिलिक एटम क्या रखा सेम, इसमें हाँ पी का ज्यादा होगा और इसका कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कौन सा सेकंड, ये वाला, इसमें जो माइनस चार्ज है सल्फोनेट आयन के बीच में रेजोनेंस करा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है, ये कम इफेक्टिव, संख्या में कम है, ये डिफरेंट है, नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो होता है और कम इफेक्टिव होता है, तो भले संख्या में ज्यादा होता है रेजोनेंस वहां पे कम इफेक्टिव मानेंगे, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो होगा वो कम होता है, ठीक है। अब चलिए हम आगे बात करें,
अभी तक जो देखा था आपने न्यूक्लियोफिलिक नेचर जो होगा वो सेम एटम के बीच में या करा ट्रैवल करा। अब न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर अगर डिफरेंट एटम के बीच में है तो हम कैसे बताएंगे, न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर अगर डिफरेंट नेचर के बीच में है तो सॉल्वेंट पे भी इसका प्रभाव पड़ता थोड़ा सा। अच्छा, पीरियडिक टेबल में लेफ्ट राइट जाने पर हमेशा न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर घटेगा, सॉल्वेंट चाहे पोलर प्रोटिक है या चाहे पोलर एप्रोटिक। यू नो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर किसको किसको पता, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको नहीं पता, तुरंत बता दिया करो। सॉल्वेंट सॉल्वेंट दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पोलर सॉल्वेंट और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट किसको कहते हैं बेटा, जहां पे नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो नॉन जीरो होता है, और पोलर नॉन पोलर कहते हैं जहां पर नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है ये आपका जीरो होता है। ये आप जानते हैं जैसे CCl4 है, कार्बन डाइसल्फाइड है, बेंजीन है, ये सब क्या होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। पोलर सॉल्वेंट जो होता है जिसका नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है उसको हम पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बार बार हम इसे बोलेंगे आगे आप PPS, और दूसरा होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसे हम बोलेंगे बार बार PAS। और सिंपल सा तरीका है, याद रखिएगा कि पोलर प्रोटीन को कहते हैं कि पोलर सॉल्वेंट विच कैन गिव विच कैन रिलीज H+, है ना, पोलर सॉल्वेंट विच कैन गिव H+, क्योंकि जो जो H+ दे से देते हैं उन्हें कहते हैं पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट, और जो विच कांट गिव उसे कहते हैं पोलर ए प्रोटीन सॉल्वेंट। इसको पहचानने का आसान तरीका आपको बताता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। जहां भी हाइड्रोजन आपको दिखे, सल्फर से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, हैलोजन से, ये सॉल्वेंट पोलर प्रोटीन होता है, क्योंकि अक्सर इनके साथ जुड़ा जो हाइड्रोजन होता है वो आसानी से एसिडिक रूप में निकल जाता है, ठीक है। और अगर कहीं पर हाइड्रोजन पहचानने का तरीका है स्ट्रिक्ट ओनली, है ना, और कहीं पर हाइड्रोजन अगर इनके अलावा कहीं पर जुड़ा है तो क्या होता है बताओ, पोलर ए प्रोटीन। मैं कुछ सॉल्वेंट लिखता हूं, आप मुझे बताइए। फॉर्मल्डिहाइड, ये कार्बन सिंपल कार्बन, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अटैच नहीं। फॉर्मामाइड, ये फॉर्मामाइड की बात करो, यहां पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच हो गया, इसका नाम है फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये कहलाएगा पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। इसका नाम क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट, अगर हम इस फॉर्मामाइड के नाइट्रोजन पर दो मिथाइल ग्रुप लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा N, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। नाम तो सुना होगा, इसको DMF, बार बार कहां यूज होगा बताओ, DMF। ये पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन के साथ यहां बना रखी है, हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो ये पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। हम आपसे बात करें और ऐसे AC2, इसमें सिंपल ऐसे मत याद करिए, फिर थोड़ा डाउट कंफ्यूजन होगा। एक सिंपल सा फैक्ट याद रखिएगा, हाइड्रोजन का सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हैलोजन से जुड़ा हो तो उसको पोलर प्रोटीन कहेगा, अदरवाइज बाकी मत कहेगा। चलिए हम बात करते हैं आगे, जैसे पानी, वाटर, वाटर के बारे में बताओ, वाटर पोलर प्रोटीन, पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट है। एल्कोहल पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट, ईथर पोलर ए प्रोटीन सॉल्वेंट, पक्का पोलर ए प्रोटीन सॉल्वेंट, ये पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट। ऐसे ही एसीटोन, एसीटोन में ये हाइड्रोजन कार्बन से अटैच, SP3 कार्बन के साथ, तो एसीटोन को हम कहते हैं पोलर ए प्रोटीन। नेक्स्ट हम इसका नाम बताएं, ये सल्फॉक्साइड, सल्फॉक्साइड से दो मिथाइल लगा दें, ये पोलर ए प्रोटीन सॉल्वेंट। नेक्स्ट हाइड्रोजन पोलर, HCl पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एसिटिक एसिड अगर हम बात करें आपसे तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अमोनिया पोलर, बोलो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पक्का सॉरी एसिटामाइड, एसिटिक एसिड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक। यूरिया सॉल्वेंट अगर सॉल्वेंट है तो पोलर प्रोटिक है, अगर सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये एसिटामाइड, क्या बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, तो मेरे ख्याल से डाइमिथाइल एसिटामाइड, N डाइमिथाइल एसिटामाइड, N डाइमिथाइल एसिटामाइड, ये अम्मा बताइए क्या नाम होगा बताओ, पोलर ए प्रोटीन सॉल्वेंट। जानते आप लोग तो ठीक, अब आपको बता दूं जो पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट होते हैं, ये सॉल्वेंट देखा लिख लिया, तो जो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर है ऐसा देखा गया कि पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट जो होता है उसमें लेफ्ट राइट जाने पर न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर घटता है, पोलर ए प्रोटीन में भी घटता है। ये पीरियडिक टेबल का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर जो है उसका न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर घटता है। लेकिन अगर पानी में देखा जाए, वाटर में देखा जाए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वाटर में देखा जाए तो वाटर में जो होता है ऊपर से नीचे आने पर न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर जो होता है ये बढ़ता है। पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट में अगर हम बात करें, पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट की बात करें, वाटर, एल्कोहल, इन सब में ऊपर से नीचे आने पर न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर बढ़ता है, अर्थात F से अच्छा न्यूक्लियोफाइल, CL उससे अच्छा, BR उससे अच्छा, ये होता है I बेटर न्यूक्लियोफाइल देन F। लेकिन अगर पोलर ए प्रोटीन सॉल्वेंट की बात किया जाए, यहाँ पर पोलर ए प्रोटीन सॉल्वेंट तो ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूस होता है, कम होता है, तो बस एक ही वेरिएशन चेंज होता है, पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, और पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट में, सॉरी, पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करता है, यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल नेचर। रीजन आप जानते हैं, जानते हैं नहीं जानते, कौन बताएगा रीजन, बड़ा साइज तो और कोई बताएगा, काफी ठीक है लेकिन पूरा ठीक नहीं, फ्लोरीन का ज्यादा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल सही आपने बोला, इसमें फ्लोरीन का बहुत ज्यादा हाइड्रेशन हो जाएगा तो जो एक्वस F- है उसकी साइज बढ़ जाएगी, और F इन कंपेयर टू I-। मैं आपको बताता हूँ, ये सब समझना है कि नहीं है, ये सब बेसिक बातें हैं, ये बेसिक बातें हमें आगे रिएक्शन में काम आएंगे। अब मैं आपको बोलूँ न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये आंसर हम बाद में करेंगे। देखो किसी भी माइनस चार्ज, कोई भी एक स्पीसीज है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो दुनिया में वो दो काम करना चाहता है, ये आया है दुनिया में जन्म लिया है, तो इसका दो ही नेचर है, या तो ये दुनिया में न्यूक्लियोफाइल बनना आया है या तो ये बेस बन के जाएगा। किसी भी नेगेटिव चार्ज के दो नेचर होते हैं, या तो न्यूक्लियोफाइल होता है या तो बेस होता है, और डिपेंड करता है इसके काम पे, इसको बेस कहेंगे, इसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। जन्म तो इसने नेगेटिव चार्ज के रूप में लिया था, तो अगर याद रखना इनके काम बता दूं, कभी को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, जैसे मान लो कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, डजंट मैटर, यहां से कोई लीविंग ग्रुप अटैच है, यहां पर भी ढेर सारे ग्रुप अटैच है। अगर कोई स्पीसीज ऐसा हो जो कि आए
और इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये, इस पॉजिटिव चार्ज को लेने के लिए इस कार्बन से जुड़े और यहाँ पर प्रेजेंट जो एल है इसको धक्का देकर बाहर भगा दे। अगर ये ऐसा काम कर रहा है दुनिया में आके तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियोफाइल। ये बहुत बेसिक बात बता रहे हैं, ये आप सबको पता होगा, लेकिन मैं एक बार जानबूझ के मैकेनिज्म थोड़ा सा मैं जीरो से बताना चाह रहा हूं, ठीक है? बहुत तेज बता पाएंगे पर पढ़ेंगे उस समय, अभी से दुनिया में कहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। अगर इसने ऐसा काम किया तो ठीक है, इसका रिजल्ट ये रहा तो, लेकिन अगर इसने ऐसा काम कर दिया यहाँ पर आया है और ये पड़ोसी कार्बन के हाइड्रोजन को चुरा के भाग जाइए, बहादुरी का काम नहीं किया, कमजोर के है ना, एच प्लस स्टोर हो जाए, है ना, यहाँ पर ये एच प्लस है, ये कार्बन पर प्लस है और इस क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से यहाँ पर प्लस है, तो इसके पड़ोसी कार्बन के जो हाइड्रोजन है ये भी स्लाइटली एसिडिक है, ये माइनस है, आपको ये इसे कहते हैं माइनस प्लस, माइनस आपको प्लस दिख रहा होगा ना, फिर से वापस देखिए, आओ वापस आंख बंद करके देखिए, फिर से आपको माइनस नजर आएगा, ठीक है? तो बातें इधर आ जाए वापस। अगर इसने ये अपना काम ये वाला काम दबंगे, ये वाला छोड़ दे, ये दबंगे का काम है, याद रखिएगा, इस पे कब्जा जमाना है, किसी को बनाना है, तो न्यूक्लियोफाइल अगर ये काम करने के बजाय ये अल्फा कार्बन है जिसपे क्लोरीन अटैच है, पड़ोसी बीटा कार्बन है, क्लोरीन के बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को चुरा ले, तो बीटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उस नेगेटिव से रिपेल्ड होकर ये क्लोरीन यहां से बाहर भाग जाता है और यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और उस वक्त हम इसे कहेंगे, उस वक्त ये हो जाएगा, ये जो एच चुराने लगा है इसे कहेंगे हम लोग ये बेस, मतलब एक आप कह सकते हैं कि बेस मतलब क्या हुआ, एच प्लस टू, इसे कहेंगे बेस। याद रखना हर बेसिक वर्क में थोड़ा न्यूक्लियोफिलिक वर्क भी मिलता है और हर न्यूक्लियोफिलिक वर्क में थोड़ा सा, मतलब हर न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा चोर भी हो जाता है और हर चोर थोड़ा सा क्या हो जाता है, दबंग भी हो जाता है, पर जो ज्यादा मात्रा में बनता है हम उसी को एक्सेप्ट करते हैं। तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, किसी पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर जाके तो अटैक करके वहाँ पे जुड़ना, ये न्यूक्लियोफाइल का काम होता है, और बेस का काम होता है पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन को क्या करना, चुराना, ये आप जानते हैं। अच्छा, सॉल्वेंट क्या है, इसके खान पान से भी इस पर फर्क पड़ता है कि ये क्या खाता है, क्या पीता है, उसके आधार पर इसका फ्यूचर में नेचर क्या होगा, जो कि आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है? जैसे अगर ये ए माइनस जो है ये कहीं ये अल्कोहल में डूब जाए, देखो ए माइनस विद अल्कोहल, ये अल्कोहल ले ले तो ये, तो फिर ये चोरी करना स्टार्ट कर देता, फिर एच प्लस स्टोर हो जाता है ना, समझ में? ज्यादातर ऐसे लिखा जाए अल्कोहल के माइनस, तो ये कहलाता है एच प्लस स्टोर। क्या कहलाएगा? एच प्लस स्टोर, या इसे कहेंगे बेस। इसका बेसिक काम इसके न्यूक्लियोफिलिक काम से भारी हो जाता है, ठीक है? लेकिन अगर कहीं पे लिखा हो ए माइनस संग अल्कोहल, सॉरी ए माइनस ये पानी पिए, अल्कोहल ना पिए, प्योर पानी पिए, है ना, या एक्वस लिखा, क्या लिखा हो बता, एक्वस ए माइनस लिखा हो, तो ये फिर दबंग के काम करता है ना, ये बन जाता है दबंग, बहादुरी काम करेगा, और उसका जो न्यूक्लियोफिलिक काम होगा ये बेटर होगा इन कंपेयर टू बेसिक, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाए। सुना होगा आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत, मैकेनिज्म तो पढ़ा है ना आपने, अरे इतने नंबर आपके आते हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ाई होगा। अच्छा, वो सब बायो वाले नंबर आते हैं सर, क्योंकि 350 नंबर तो बायो के होते हैं, बाकी नंबर तो सब नहीं, सारे फिजिक्स नंबर तो 350, ठीक है? ओके, तो याद रखना ये ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बता दूं, अगर कोई ए माइनस एल्कोहल के साथ होता है मोहल्ला बेसिक क्यों होता है, ए माइनस और एल्कोहल के बीच में जब रिएक्शन होता है ना ये, तो वहाँ पर थोड़े एल्कोक्साइड भी पाए जाते हैं, और एल्कोक्साइड ये ए एच और प्लस क्या बन जाएगा, ये एल्कोक्साइड, ये एल्कोक्साइड की वजह से ये थोड़ा बेसिक होता है, और यहाँ पर जहाँ पर ए माइनस और वाटर एक साथ होते हैं ये इनके बीच में अगर थोड़ा बहुत रिएक्शन होगा ये बन जाएगा ए एच और प्लस क्या बन जाता है यहाँ पर ये ओ एच माइनस से अच्छे बेस क्यों होते हैं बताओ। अगर हम बेसिक बात करें तो ये आर ओ माइनस का बेसिक नेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, और एच ओ माइनस का बेसिक नेचर जो है कम होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस ग्रुप लगा है, इसलिए ये इसका बेसिक नेचर थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये मोहल्ला जो एल्कोहल का होता है थोड़ा बेसिक होता है, और ये मोहल्ला जो होता है थोड़ा बेसिक कम होता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक होता है। जितना आर का साइज बढ़ाएंगे उतना अच्छा बेस बढ़ता जाएगा, तो टर्सरी ड्यूटाइल हो तो पक्का, एक हमेशा बेसिक काम ही करना पसंद करते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमने हिंट दे दिया, तो न्यूक्लियोफाइल समझ गए आप लोग। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, आप सब जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का काम होता है किसी भी कार्बन पर आक्रमण करके वहां से लिविंग ग्रुप को, तो अगर ये साइज में छोटा होगा तो ये तेज आक्रमण करके यहाँ पर यहाँ आक्रमण इसका तेज होगा, यहाँ से ये सीएल को तेज भगाएगा। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप एफ को और आई को दोनों को पानी में डुबो देते हैं, ये पूरा पानी वाटर भरा हुआ है, आप सब जानते हैं वाटर, वाटर में आप जानते हैं एच पर प्लस और ऊपर क्या होता है माइनस, ओ का माइनस थोड़ा ज्यादा होता है, एच हल्का सा कम होता है, क्योंकि प्लस दो जगह होता है और माइनस एक ही जगह होता है, तो अगर चार्ज हम कंपेयर करें तो माइनस होता है डबल होता है इन कंपेयर टू प्लस, इंटेंसिटी की बात करें अगर तो यही होता है, लेकिन प्लस भी काम करता है। तो जैसे ये एफ माइनस और आई माइनस इनके नजदीक जाते हैं तो ये वाटर होता है एफ माइनस से ज्यादा सॉल्वेट होता है। एफ माइनस क्या होगा बताओ, ज्यादा, क्योंकि साइड में छोटा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, ये पानी को अपने चारों तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो वाटर मॉलिक्यूल इधर आने की वजह से यहाँ पर अगर वाटर आ जाता है तो एफ माइनस के चारों तरफ पानी की लेयर ज्यादा बन जाती है, ये बन जाता है एक्वस एफ माइनस, लेकिन इसका सॉल्वेशन कम होता है, सॉल्वेशन कम होने की वजह से, तो जब वाटर के साथ एक्वस एफ माइनस होता है ये साइज में काफी बड़ा हो जाता है, और इसमें इसका सॉल्वेशन कम होने की वजह से ये है तो साइज में बड़ा पर सॉल्वेशन कम हुआ, तो पूरा जो एक्वस आई माइनस है ये एक्वस एफ माइनस है, इनमें अगर हम बात करें एफ माइनस और आई माइनस में तो जो आई माइनस है ये बड़ा होता है, परंतु अगर मैं बात करूं एक्वस एफ माइनस और एक्वस आई माइनस में तो साइज होती है वो एक्वस एफ माइनस की ज्यादा होती है, तो इसलिए एफ का मूवमेंट जो होता है वो स्लो हो जाता है, और साथ में एफ के अटैक करने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यही कारण, समझ गए आप लोग? ये ज्यादा से न्यूक्लियोफाइल आई माइनस जो साइज में छोटा है, अगर हम साइज की बात करें साइज ये हो गया, ठीक है? अब न्यूक्लियोफिलिक नेचर की बात करें तो जो साइज में छोटा होगा वो तेज अटैक करेगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक नेचर में एक्वस एफ माइनस इज मतलब एक्वस आई माइनस विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल देन एक्वस एफ माइनस। अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ऐड करें तो किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को जानते हैं आप लोग, जैसे एसीटोन, एसीटोन ले लेते हैं, ठीक है? यहां पर जो होता है माइनस सिर्फ एक जगह होता है, कहां होता है बताओ, ऊपर, और प्लस नौ जगह दिख रहा है, वो नौ जगह दिख रहा है कहां पे, ये कार्बन एक, ये कार्बन, ये कार्बन और बाकी सारे हाइड्रोजन, तो इसका प्लस फैला हुआ, पूरा डिस्पर्स फैला हुआ है, तो हर कार्बन पर प्लस जो होगा उसके बराबर अकेला एक माइनस होगा, तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है उसका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बेटर वर्क करता है और पॉजिटिव चार्ज एकदम काम नहीं करता, ये पॉजिटिव चार्ज काम नहीं करता, तो पॉजिटिव चार्ज काम नहीं करता, तो फिर यहाँ पर एफ माइनस और आई माइनस के चारों तरफ सॉल्वेंट का एक सॉल्वेशन भी नहीं हो पाता ठीक से इनका, और जब सॉल्वेशन ही अकेले रहते हैं फिर, और जब अकेले रहेंगे तो फिर क्या करेंगे फिर बताओ, साइज किसकी बड़ी, तो फिर बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाता है बताओ, एफ माइनस, इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है एफ माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन आई माइनस, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आई माइनस, क्योंकि वो सॉल्वेंट की वजह से ऐसा होता है। बात क्लियर हो गई? यही आप बोले थे ना सर, आपने यही बोला था, आपने कुछ और बोला था, स्टेबिलिटी वाला बता दिया था, तो वो भी ठीक है, लेकिन ये मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, कर लेंगे आप लोग इसको।
देखो बेसिक नेचर तो अब अलग अलग उस पर डिपेंड करता है ना, किस एसिड से रिएक्शन करा। तो बेसिक नेचर तो हम कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिटी से पता करते हैं, बेसिक नेचर जो पता करने का तरीका वही है। मतलब जो अच्छा बेस होगा जरूरी नहीं कि वो जीवन में अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी हो, इट्स नॉट नेसेसरी। बेसिक नेचर पता करने का फंडा अलग है और न्यूक्लियोफिलिक नेचर पता करने का फंडा अलग है। हाँ जी ये फिर से बताओ। जी बिल्कुल, आप मुझे बताएं ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, क्योंकि ये माइनस एक की जगह होगा। तो अभी सॉल्वेंट का जो एसिड पूरा इसमें भरा हुआ, तो पूरे में ये माइनस चार्ज डोमिनेटिंग चार्ज होगा। तो अब इसके चारों तरफ इसमें सॉल्वेशन नहीं होगा, अब जो सॉल्वेशन नहीं होगा तो इसी रूप में रहेगा। अब इसमें मान लो कोई टारगेट आ गया जिस पर अटैक करना, यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये लिविंग ग्रुप लगा, तो जो एफ माइनस है ये अभी साइज में छोटा है और ताकतवर है, ये तुरंत यहाँ पर अटैक करके यहाँ पर ये फास्ट अटैक करे। ठीक है बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये साइज में बड़ा है तो आई माइनस होगा, साइज में बड़े होने की वजह से इसका अटैक थोड़ा क्या हो जाएगा। अब क्लियर हो गई बात एकदम से? ठीक है, अच्छा हम चलो ठीक है, इतनी बताऊँ, बहुत ज्यादा नहीं बताते। तो ये पोलर की सॉल्वेंट हो गया, बताओ पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में। अब जब डाउट आप पूछेंगे तो मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन मैं तब बताऊंगा, और डीप में नहीं घुसना चाहता, और वो डाउट कौन पूछेगा ये मैं देखना चाहता हूँ, वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं। ओके चलिए बताइए इनका बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा। देखिए कभी भी आप हर टॉपिक के एग्जामिनर खुद बन जाओ, कहां से क्वेश्चन पूछेगा, जिस टॉपिक को पढ़ो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद खुद से सोचो कि अगर मैं एग्जामिनर होता या हमें छोटे भाई को पेपर बना के पूछना होता या तो हम क्या पूछते उससे। हर टॉपिक के क्वेश्चन खुद से पूछ लो, खुद बना लो, एग्जामिनर भी वही क्वेश्चन बना के पूछेगा, क्वेश्चन बनाओ उसका जवाब ढूंढ लो, खत्म कहानी। नहीं जवाब मिला तो आपस में डिस्कस कर लो, पहला डिस्कशन आपको खुद होना चाहिए, उसके बाद सेकंड डिस्कशन हमारे पास आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं मतलब ऐसा इसी मेथड से आप 100% कर सकते हैं। और अगर ड्रॉप किया है ना आपने, एक साल दो साल तैयारी किया है, आपने इन्वेस्ट किया है, तो क्यों ना उसे फिर सूद समेत वसूलें। दो महीने की तो बात है यार, दो महीने भूल लो, दो महीने में फैसला हो जाएगा, दो महीने में फैसला हो जाएगा। मतलब आपके जो मूवमेंट है ना, आपकी जो चाल है, जो आपकी लैंग्वेज है, वो दो महीने में या तो डगमगाएंगे या तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। गेम तो दो महीने का है, मार्च का, उसके बाद तो फिर गेम खत्म, फिर तो डर, जैसे डर बैठना स्टार्ट होगा फिर वो आप ट्रेन से पीछे जाएंगे। और कुछ नहीं है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑलरेडी आप थोड़ी थोड़ी गलतियां कर रहे हो, वो गलतियां करना बंद कर दो, टाइम मैनेज कर लो, खत्म कहानी। ओके अगर हम इनकी बात करें तो देखो पीरियड में लेफ्ट राइट अगर मूव करते हैं, ये बढ़ता है तो आंसर सेम आएगा, क्या आंसर लिखेंगे इसमें बताओ। सबसे पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ओके जिस दिन 700 ऊपर नंबर आप लाएंगे आपको पार्टी मिलेगी, याद रखना। दो टेस्ट, दो में मिला, किसके मिले? नहीं दो मिला के नहीं, हाँ दो मिला के ला दो, 1400 ला दो, कोई दिक्कत नहीं है, दो मिला के 1400 ला दो, मैं दे दूंगा पार्टी, 2100 ला दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक। अब चलो ये 1 2 3 700 नीचे कोई बात नहीं, 700 नीचे कोई बात नहीं, बाकी तो नो इंटरटेनमेंट, आप 700 नीचे बात नहीं करेंगे पार्टी के, ठीक इधर। अच्छा इसमें मुझे बता, अगर हमने पानी में पूछा तो इस 4 ज्यादा होगा, 3 2 1, और एसीटोन में पूछा तो 1 2 3 4। अच्छा इसमें अगर हम पूछो ईएन बढ़ रहा है तो पानी हो जाए एसीटोन हो, ईएन बढ़ने का मतलब है कि साइज लगभग सेम है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, सेम आंसर होगा, यहाँ भी 1 2 3 सेम आंसर। इसमें हैलोजन सबसे खराब न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इस बात को याद रखना, हैलोजन सबसे खराब न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और इसमें डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर। तो अगर पोलर यहाँ पर इन दोनों में भी सॉल्वेंट, अगर पोलर प्रोटीक सॉल्वेंट होगा तो ये बेटर हो जाएगा, और ये प्रोटीक होगा तो ये बेटर। तो पहले में क्या है, पानी है तो यहाँ पर SH विल बेटर देन OH विल बेटर देन Cl विल बेटर देन F माइनस, इसमें क्या हो जाएगा OH, फिर उसके बाद में SH, उसके बाद में F, उसके बाद में Cl। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, ठीक है। साइज ग्रुप वाला हैलोजन तो सबसे पीछे होंगे, अब इन दोनों में साइज में मैटर करता है, पानी में ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा और एसीटोन में ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा, पानी में ये अच्छा हो जाएगा, एसीटोन में ये अच्छा हो जाएगा, खत्म खान। कौन सा बेटा? ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडेशन, ईएन कम है, sp2 ईएन ज्यादा, sp और ईएन ज्यादा, ईएन बढ़ेगा, मतलब हम लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक करके घटेगा, पक्का। अगला लिविंग नेचर एंड लिविंग ग्रुप, लिविंग नेचर एंड लिविंग ग्रुप ऑर्डर, यहां भी खैर एक बार हम जान लेते हैं। लिविंग ग्रुप क्या होता है, जैसे मान लिया किसी एक कार्बन पर, किसी एक आर पर कोई एक न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफिलिक काम कर दिया और उसने जो है वहां से प्रेजेंट एक पहले से ग्रुप को भगा दिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस तरह का रिएक्शन कहलाता है सब्स्टिट्यूशन, जो कि आगे हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, लिविंग ग्रुप। और जहाँ पर ये बना प्रोडक्ट इसे कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लिविंग ग्रुप मतलब भगोड़ा ग्रुप, जो भागता है, ठीक है, किसी कार्बन को छोटे भागता है। तो भगोड़ा नेचर कैसे हम चेक करते हैं, याद रखिएगा, जैसे आपको पता है भगोड़ा नेचर चेक करने के दो तरीका होता है, जैसे पप्पू एंड गप्पू ये दोनों को पता है, पप्पू को पता है कि अगर हम घर छोड़ के भाग जाएंगे तो लाइफ बिल्कुल सेट होने वाली है, पहले से लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि इसको पता है कि अगर हमने छोड़ दिया घर तो हमारी लाइफ सबसे स्टेबल होगी, और इसने छोड़ दिया अगर घर तो हमारी लाइफ सबसे बर्बाद होगी, तो घर छोड़ने की प्रवृत्ति किसकी ज्यादा होगी, याद रखें पप्पू की नेचर। तो जो लीव करने के बाद स्टेबल होता है, यानी जो एनान स्टेबल होता है, उसका लिविंग नेचर भी क्या होता है ज्यादा, तो लिविंग नेचर ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनान। या एक और तरीका है आपको बताने का, कि जो थोड़े से अच्छे बेस होते हैं, मतलब या डोनर होते हैं, जो अच्छे डोनर होते हैं, बेसिक नेचर का मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं या अच्छे बेस होते हैं, उनका कार्बन से जुड़े रहने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या होती है, तो याद रखिएगा। तो अगर कोई अच्छा बेस होता है तो वो पूरा लिविंग ग्रुप होता है, वो जल्दी छोड़ना नहीं चाहता। तो एक और तरीका आपके पास लिविंग नेचर बताने का यह है, कि लिविंग नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। जो लिविंग ग्रुप अच्छा बेस होगा उसका लिविंग नेचर खराब हो जाता है, जो अच्छा होगा उसका लिविंग नेचर क्या हो जाएगा खराब। जैसे मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, चलिए मुझे बताइए, अगर आपको कहीं स्टेबिलिटी में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करेंगे, बेसिसिटी सेंसर निकालेंगे, बेसिसिटी सेंसर में दिक्कत हो रही है तो लिविंग नेचर से। आप मुझे बताएं इनमें अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे स्टेबल कौन होगा इसमें, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो बस लिविंग नेचर ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, लिविंग नेचर ऑर्डर हो जाएगा, ये आंसर 4 3 2 1, मतलब एफ माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप देन ओएच देन एनएस2 देन एफ, हैलोजन इज बेटर। इसे आप चाहें तो आप बेसिक नेचर से भी बता सकते हैं, अगर हम इसे बेसिक नेचर से बताते हैं, मान लिया तो बेसिक नेचर किसका, हाँ बेटा नहीं बेटा, जो लीव करके निकल रहा है ना उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। देखो लिविंग ग्रुप अलग अलग, दोनों सारे लिविंग ग्रुप क्या है बेटा, अलग अलग, तो अगर दोनों लिविंग ग्रुप सेम कर देंगे आप तो लिविंग ग्रुप तो सेम बना, तो सेम आएगा, ठीक है। बेसिक नेचर ऑर्डर बताने का एक तरीका हो गया, बताओ क्या, पहले बेसिक नेचर बता दो, हमने सुना है कि कार्बन माइनस होता है, अच्छा बेस होता है पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर क्या होता है चौथा, तो याद रखना ये डिग्री क्यों लिख रहा हूं मैं, 1 2 3 4, ओके नेक्स्ट। तो बेस यहाँ पर लिविंग नेचर ऑर्डर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, ऊपर लिख देना, मैंने इसे मिली मिला के लिखा था कि आप कहें कि नहीं दोबारा नहीं लिखा आपने ना, ओके चलो ठीक है। इसी प्रकार से आप इसका निकालेंगे तो लिविंग नेचर ऑर्डर आएगा सबसे अधिक आई माइनस, उसके बाद बी आर, फिर सी एल, फिर एफ होगा। अगर हम इनकी बात करें तो इसमें लिविंग नेचर ऑर्डर जाएगा सबसे अधिक पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा होगा, ओके।
इसके बाद इनमें हम पूछें तो ये सेकंड वाला लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। पूरे आप गलतियां कर सकते थे। अगर मैं आपसे पूछूं ये CH3 COO माइनस और साथ में मैं पूछूं CL माइनस कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, जी CL माइनस। कैसे? क्योंकि CL माइनस अच्छा ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, या ये वीक बेस है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? बेसिक नेचर बताओ। अच्छा बताओ ये है कौन सा पॉइंट, पांचवा चौथा है, पांचवा छठा, हां चार है, तीन चार, अच्छा चार ही, ये पांच, ठीक है ठीक। तो इसे कहते हैं, इन दोनों में हमें बताना है इनका बेसिक नेचर। तो हम सब जानते हैं कि बेसिक नेचर जो होता है वो CH3 COO माइनस का ज्यादा होता है और CL माइनस का, तो जो लिविंग नेचर होगा, लिविंग नेचर ऑर्डर CL माइनस, CL माइनस विल बेटर देन CH3 COO माइनस। अब मुझे बताओ मैं बेसिक नेचर समझाऊं या समझ ना आता? पक्का इसका कौन, हाँ ये बड़े साइज का है, छोटे साइज का है। रेजोनेंस हमेशा तब देखा जाता है जब एकदम सेम साइज का है। रेजोनेंस के आधार पर स्टेबिलिटी तब देखा जाता है जब आयन बिल्कुल क्या हो, सेम साइज को। यहाँ भी ओ माइनस, वहाँ भी ओ माइनस, वहाँ भी ओ माइनस। आया समझ में आपको? रेजोनेंस दुनिया में सब कुछ स्टेबल नहीं करता, अपनी फैमिली में स्टेबल करता। सारे अगर ऑक्सीजन फैमिली वाले हैं तो फैमिली एक जैसी होती, तो अलग अलग फैमिली है तो रेजोनेंस देखिए आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए आप देखो यहाँ स्टेबिलिटी से गलत कर देते, अगर मैं नहीं बताया होता तो गलत कर देते। तो इसका बेसिक नेचर से बताओ। अभी भी कुछ लोग बेसिक नेचर में डाउट हो रहा है कि सर ये माइनस चार्ज तो रेजोनेंस कर रहा है, तो ये ज्यादा, ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए। इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? एसिटिक एसिड। और इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? एसिल। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये वीक बेस होता है, ये आपका वीक एसिड है इन कंपेयर टू एसिल। तो ये जगह स्ट्रॉन्ग बेस। अब जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो खराब लिविंग ग्रुप होगा। आया समझ में आपको? क्लियर भैया? हेलो। अच्छा एक दो टर्म है जो आपको हो सकता है थोड़ा सा समझ में ना आते हैं ना, वो एक टर्म ये है टॉलविन पैरामिथाइल सल्फोनिक एसिड। इसके बारे में आपने सुना होगा। अब आगे हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? अरे कुछ सोचते कि मैं स्लो बात करके बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं सर को बेवकूफ बना दे रहा हूँ, है ना? और सर जो है बेवकूफ बन भी जा रहा है। इनकी क्लास में मैंने बात कर लिया, कुछ कर भी नहीं पाया, है ना? ठीक है, मान लिया मैं बेवकूफ हूँ, इसलिए आप ये मान जाइए। तो आप मुझे ये प्रयास मत करिए, अपना वो भी चला दोगे, ठीक है? अच्छा सुनो, इसका नाम होता है, इसको कहते हैं पैरा टॉलिविन सल्फोनेटर, है ना? इसी को कहते हैं, इसको इतने पोर्शन को कहा जाता है, ये देखो बातें नहीं यहीं पे है, कहीं गया नहीं, बस खोपचे में है, कोई नहीं। ओके तो टीएस मतलब टॉलविन सल्फोनेट हो गया, तो टीएस मतलब क्या होगा? टॉलविन सल्फोनेट। और ये साथ में इसको, ये तो इसको टीएसओ लिखा जाता है, टीएसओ माइनस। इसी को एक और नाम देते हैं टोसाइलेटाइन। ये आगे आपको आएगा, अल्कोहल को अगर कभी हमें हटाना हो तो उसको हम पहले टोसाइलेटाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो टीएसओ माइनस मतलब होता है ये, ठीक है? अच्छा ये तो खैर आप जानते हैं, यहाँ पर ये जो सी एसिटेट आयन में ये पोर्शन जो होता है इसको हम एसी कहते हैं, तो ये एसीओ माइनस लिखा जाता है। जानते हैं आप लोग? तो एसीओ माइनस एसिटेट है। इसको क्या कहते हैं? ये इसको कहते हैं ब्रोसाइलेट। इतने पोर्शन को कहा जाता है बीएस और ये होता है ओ, और पूरा नाम होता है इसका ब्रोसाइलेट। ये आपसे आपके एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है। और ये होता है आपका एनएसओ नोसाइलेज। अगर हम इस टोसाइलेट ब्रोसाइलेट और नोसाइलेट आयन का न्यूक्लियोफिलिक मिस, क्या हुआ कमर में दर्द? कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा आपसे बात कर, बात नहीं, बस हो गया भाई, मेरी सुन लो, तुम लोग स्मार्ट, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये प्लस एच है और ये माइनस आई है और ये माइनस एम। तो अगर सबसे अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी, चूंकि स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इनका लिविंग नेचर ऑर्डर होगा वो बढ़ेगा। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि टीएसओ माइनस, बीएसओ माइनस और एनएसओ माइनस में कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, तो एनएसओ माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन बीएसओ देन टीएसओ। ये लिविंग ग्रुप समझ में आ गया आपको? ये पूछा जाता है और पूछा जा सकता है आपके एग्जाम। तैयार है? कौन ये सबसे वीक होगा? ये वीक होगा क्योंकि माइनस एंड माइनस आई ग्रुप बेसिसिटी को घटाता है और बेसिसिटी घटेगी। हां देखो स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा और बेसिक करेक्टर सबसे कम इसका। तो जो ज्यादा स्टेबल होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जो खराब बेस होता है वो अच्छा। तो ये बेस भी खराब है और ये साथ में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ये मोर स्टेबल है बट बेस खराब है। अब ये मत कहना कि स्टेबिलिटी को बेसिसिटी से कैसे रिलेट करेंगे, नहीं वो तो अलग अलग फंडा। तो इसी के साथ लिविंग नेचर ऑर्डर क्या होता है आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगला। अब हम